मिस्त्री को प्रमोशन में प्रतिनिधित्व पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने फैसले में सीधे तौर पर प्रमोशन में प्रतिनिधित्व को खारिज नहीं किया और इस मामले को राज्यों पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो वो प्रमोशन में प्रतिनिधित्व दे सकती है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की अर्जी खारिज कर दी कि एससी एसटी को प्रतिनिधित्व दिए जाने में उनकी कुल आबादी पर विचार किया जाए। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि प्रमोशन में प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार को एससी और एसटी के पिछड़ेपन के आधार पर डेटा जुटाने की जरूरत नहीं है। अदालत ने नागराज मामले में 2006 में दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप में वैध बताया है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को अपने इस फैसले में कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान और बच्चों के एडमिशन जैसी चीजों के लिए आधार जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आधार की मांग नहीं कर सकती है। पीठ ने आधार विधेयक के अनुच्छेद 47 को भी खत्म कर दिया है, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी काम के लिए। उन्होंने कहा कि आधार के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के आरोप संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर आधारित है, जिनके कारण देश शासकीय निगरानी वाले राज्य में बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज फैसलों के लिहाज से बड़ा दिन है। अभी तक कोर्ट ने 2 अहम फैसले आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहला फैसला एससी एसटी वर्ग को राहत देते हुए प्रमोशन में प्रतिनिधित्व को लेकर आया। वही दूसरे फैसले में कोर्ट ने आधार को संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा अहम फैसला सुनाते हुए अगले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की नियुक्ति पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हैं कि इस मामले में चीफ जस्टिस की नियुक्ति में दखल यह सही मंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह योग्यता से रहित है। पिछले दिनों में सीवर में उतरने से एक के बाद एक हुई मौतों के खिलाफ जंतर मंतर पर उतरे हजारों सफाई कर्मचारियों और मूल निवासी भोजन समाज के लोगों ने सरकार और व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मृतक के आश्रितों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सीवरों में मौतों के खिलाफ आवाज उठाई, सवाल पूछे और अपनी मांगे रखी। इस दौरान मृतक परिवार के घर वालों ने अपनी आपबीती लोगों के सामने रखी। सरकार मैनुअल स्क्रैंजरों का सर्वे कर चिन्हित कर उन्हें मैला प्रथा से मुक्त कर उनका पुनर्वास करने के बजाय उनके अस्तित्व से इनकार कर उनके हक और अधिकारों को देने से इनकार कर रही है, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी आंदोलन ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के विशाल मैदान में एकत्रित होकर लाखों की संख्या में लोगों ने भविष्य में भाजपा को वोट न देने की शपथ एवं प्रतिज्ञा ली है। सरकारी आर्थिक नीतियां देश के संविधान के विरोध में है, इसका खुला उदाहरण सामने आया है। हाल ही में बार्कलेज हुरुन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि 1000 करोड़ रुपयों से अधिक संपत्ति वाले लोगों की संख्या सन 2018 में 831 हुई है। यह पुराने आंकड़ों की तुलना में 34% बढ़ गई है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी सबसे ऊपर है। इस देश की बहुसंख्यक जनता इस बात का अंदाजा लगा सकती है कि सरकार की आर्थिक नीतियों का फायदा आखिर किन लोगों को हो रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में एक घर में बनी मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 12 सितंबर को इस मस्जिद को नगर निगम ने सील कर दिया था। इस सील को खुलवाने के लिए मुस्लिम संगठन लगातार प्रयासरत हैं। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण संगठन ने मस्जिद की सील खोलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस पंचायत में मुस्लिम परिवारों को किराए पर घर और दुकान नहीं देने का फैसला लिया गया है।